किस माँ का जो है ना दिल नहीं करता कि उसका जो है ना बेटा ना हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या बेटियों की माँ होना जो है ना वो बहुत बड़ा जुर्म है कि बस आप लोगों की बातें सुनते रहे? मैं अकेला क्या करूँ, मैं अकेला जो है ना थक गया हूँ काम कर करके, तो उस वक्त जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। तो बस ज़िंदगी जो है ना टेंशन ही है, लाइट जो है ना आज सुबह सुबह चलेगी, और बस इतना सा गया है सारा सिलेंडर नीचे रखा हुआ ना, इस पर बनाती हूँ रोटी। ये दो सिलेंडर मैंने चला दिए, भिंडियाँ गर्म कर लेती हूँ, ये भिंडियाँ गर्म हो गई भी इसके ऊपर जो है साथ ही रख देती हूँ चाय। पेड़े जो है ना मैंने बना लिए, अभी इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई आपके आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ कि जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब पूछ रहे हैं आबाद, और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इसके साथ साथ जितने लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन सुब्ह आमीन। तो इसी दुआ के साथ जो है ना अभी आज के लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज जो है ना सुबह उठते साथ ही लाइट ही नहीं है, और उसके साथ साथ जो है ना गैस भी नहीं है। तो बस अभी जो है ना सबके लिए नाश्ता मैं बना रही हूँ, और आज जो है ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बारिश तो हुई थी लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हब्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा, बारिश से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मौसम तो अच्छा हो गया था लेकिन जब लाइट जाती है ना तो बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और ख़ासतौर पर जब नाश्ता वगैरह या चूल्हे वगैरह का काम करो ना तो बस उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल होता है। और लाइट जो है ना तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आई थी, तो बस आजकल जो है ना लाइट बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं होता, कब लाइट चली जाती है कब आ जाती है। ले सारे कपड़े जमा कर, ये सारे मुझे जमा करके दो, ऊपर लेके जाऊँ ना, सारे कपड़े आ गए हैं जमा होकर के, नीचे गिरी जा रही है, बस इसको पड़को ये। तो नाश्ता वगैरह सबने कर लिया, और लाइट जो ना आ गई है, अभी यहाँ से सारा फर्श गीला हुआ पड़ा है, अभी जो ना पहले जाके ऊपर मशीन लगाने लगी हूँ। मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा, हवा तो ऊपर छत पे चल रही है लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बादल भी जो है ना कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, धूप भी निकली हुई है लेकिन बादल भी कभी आते हैं कभी जाते हैं। कल तो वैसे पूरे दिन धूप नहीं थी, आज धूप निकल रही है, और इधर जो है ना कपड़े आ चुके हैं, ये सारे जो है ना मशीन में से कपड़े बाहर निकालती हूँ, और मशीन जो है ना भी लगाती हूँ पानी वगैरह डाल के, कपड़े बस पता नहीं चलता इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, ये सारे कपड़े हो गए जमा, ऊपर पड़ी हुई हैं बच्चों की, मशीन मैंने लगा ली है, साथ साथ जो है कपड़े धुल रहे हैं, जैनब को करवा रही हूँ होमवर्क, साथ साथ स्कूल का छुट्टियों का काम, हवा तो चल रही है। कुरान मजीद किस जबान में नाजिल हुआ? अरबी कैसे लिखा ये अरबी ऐसे लिखते हैं, एन रे अरबे छोटी बी, ये मिटाओ इसको गलत है ये, अब लिखो एन रे अर, अब बे छुटिए भी लिखो, पहले कैसे लिखा हुआ अजी लिखा हुआ था, अब फरिश्ते अरवत किस काम में मशरूफ रहते हैं? अल्लाह ताला की इबादत में, फरिश्ते अरवत अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहते हैं, लिखो बुक इसको उठा के लिखो कि इबादत, इबादत लिखना आता है, लिखो फिर इबादत में मशरूफ रहते हैं, लिख रही है दिखाओ, फरिश्ते हर वक्त किस काम में मसरूफ रहते हैं? अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। क्या मतलब फीस? कितनी फीस है? 1800, 1800. क्या मतलब 1800? इतने ज्यादा इतनी ज्यादा फीस सिर्फ मैथ की? सही समझाए, इनसे पूछ ले। क्या हुआ किरण जैनब, बस हो गई है, आप तो पढ़ो है? क्या हुआ उसने फोर्स किया कि पढ़ा दे, अब इतनी ज़्यादा फीस कैसे देंगे? तो कपड़े जो है ना मैंने सारे धो लिए, और धूप चली गई है, और फर्श भी जो है ना सारा धो लिया, अभी जो है ना नीचे जा रही हूँ,
अभी जो है ना सारी सफाई करी नीचे की सीढ़ियों की सफाई करी हूँ पहले। तो सीढ़ियों की सारी सफाई होगी, अभी जो है सारा फर्श धोना यहाँ से, बहुत ज़्यादा ना बच्चों ने घर में चार रखा पानी फुलाया हुआ, तो सारा फर्श जो है ना यहाँ से भी धोती हूँ। फर्श जो है ना मैंने सारा धो लिया, सारी जगह जो है ना साफ सुथरी हो गई है। अभी जो है ना जलती ऊपर, तो मैं ऊपर जा रही हूँ, बाय बाय, आप इधर ही बैठो। किशार क्या कर रही है? आज फ्रेश होके आ गई मैं, दूध हूँ जी, मैंने सुबह का दूध लिया। अस्सलाम वालेकुम, नहीं कहना ट्विटर का है इसका। सारी चीज़ें काट ली हैं आज बनाने लगी, आलू आलू भी जो है ना आमना ने सारी छील ली, नीचे सफाई करी थी आमना ने सारे आलू छीले, टमाटर वगैरह और प्याज भी काट लिए जी। अभी तो फिटर भी धोने वाला है, अभी बस आलू काटने हैं। अदरक और लहसुन जो है मैंने रख दिया ऑयल डाल के, अब काट रही हूँ आलू, इनके आलू की गतली बना रही हूँ। आलू धोए थे? नहीं धोने हैं, धोए थे बर्तन धो दिए। ये तो बहुत बड़ा आलू है, इनको दरमियान में इशादा कर लूँ? नहीं मैं ऐसे ही कर लूँ। खत्म हो गया आलू जो है सारे काट लिए, अभी एक दो दोबारा से धो लेती हूँ ताकि ना और साफ हो जाए। अभी एक दो और धोए ना तो साफ हो गए। अदरक लहसुन हो गया, किसी अभी प्याज हो गया, अभी जो है ना उनको हल्का सा गोल्डन कर लेती हूँ। अरे मसाले जो है ना मैं डाल रही हूँ, और माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है ना वो भून रहा है, बस थोड़े से टमाटर गल जाए तो इसमें जो है ना मैं आलू डाल देती हूँ। मसाला जो है ना इस तरह से भून गया, कच्चे खा लेती हूँ, कच्चे खाओगी, अभी डाल देती हूँ सारे आलू की कतलियाँ। बस कितना टाइम लगेगा इसको? बस मैंने आलू जो है ना कतली, आलू की कतली जो है ना इसी तरह से भून ली है, थोड़ी सी पालक जो है ना ये, अब ये भी डाल देते हैं, आमना ने काटी है, साथ ही धनिया भी डाल देती हूँ, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। पालक डालती हूँ, पालक से ज़रा ना और ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। लेके आओ उसको, और ढक्कन भी ले आओ इसका, आधा गिलास लेके आना, इसके ऊपर ढक्कन दे दो। अभी जो है ना आलू हमारे पक रहे हैं, आटा आ गया गूंदने के लिए, तो सब्जी जो है ना हमारी बन गई है, आलू गल गए हैं, चूल्हा जो है ना भी बंद कर देती हूँ। हम बन गई मजी, रोटी दे दें सारी कटी ना बनाना, नहीं सासा दे दें। ये मेरी रोटी थी तो आपकी, तो है दिखाओ मुझे मजी क्या पकाया। आलू की कतलियाँ बनाई हैं, वाह आलू की कतलियाँ बनाई आपने, लबर किसके ऊपर डालना है? मुझे रोटी के ऊपर डाल दे, ऊपर मैं ऊपर ज़्यादा मज़ा आता है ना, ये देखें घी भी कितना प्यारा है ना, मुझे सारे कम आलू ज़्यादा डालें, आलू ज़्यादा चलो वो पराठा मेरा वो मेरा पराठा बना रही है, मेरा पराठा बना रही है ना। आप नहीं कहा पराठा खाने से हम कर रही है बार बार, वो मुझे पराठा अच्छा लगता है। पराठा सुबह के टाइम खाती है, पराठा खाने के बाद ही कुछ और है।
ज्यादा पता चल गया ना उनको, हमें भी दो डब्बे वाली रोटी कैसी होती है क्या? आप डब्बे वाली रोटी कहाँ से देख ली? किसकी देखी है? गोली। ये गोल पकी पड़ी है, ये लो ये गोल पकी पड़ी है। डब्बा डब्बा वो रोटी नहीं है, वो पराठा है। पराठा ही पराठा ही। चलो जी अब एक और पराठा बनाना पड़ेगा, दूसरा पराठा बन रहा है। ये आमना की वजह से जो है ना, अब मुझे इकरा को भी पराठा बना के देना पड़ेगा। इधर रखो पराठा है। चलो कहाँ? बिस्मिल्लाह। चार का छोटा पराठा बना रही हूँ। आपने ऊपर नहीं डालना साला? नहीं मम्मा। क्यों? अच्छा नहीं लगता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो गर्म है ना तो फिर नीचे उतरो। दिन जो है ना ऐसे ही कॉमों में गुजर जाता है और बिल्कुल भी जो है टाइम का पता ही नहीं चलता। वो सी माँ जिसका दिल नहीं करता कि हमारा मेरा जो है ना वो बेटा ना हो, लेकिन बेटा होना या ना होना ये तो अल्लाह को पता है ना। तो और उसके साथ साथ जो है ना लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं कि आपकी जो है ना बेटी है और आपका बेटा नहीं है। ऊपर से जो है ना मेरे हस्बैंड को भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग टेंशन दे दे के चले जाते हैं कि जब घर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी या मुझे बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी टेंशन होती है। तो जब मुझे भी आके बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो मायूस भी होते हैं और ना मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी जाती हूँ कि अल्लाह ताला चाहता तो एक भी बेटा दे सकता था लेकिन अगर नहीं दिया तो इसमें जो है ना मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूँ। मैं तो अपनी बेटियों की जो है ना अच्छी तरीके से परवरिश कर रही हूँ और मुझे तो कभी कभी याद भी नहीं होता कि बेटा है या नहीं है। खासतौर पर जो है ना जो बाहर वाले लोग होते हैं ना वो आके जो है ना मेरे हस्बैंड को आके और ज़्यादा परेशान कर जाते हैं, परेशान करके चले जाते हैं कि आपके जो है ना आपका जो है ना बेटा नहीं है ना। वो आगे मुझे बताते हैं और उससे ज़्यादा जो है ना मुझे टेंशन होती है। कभी जो है ना लड़ाई भी हो जाती है और कभी कभी जो है ना गुस्से में भी आके जो है ना ऐसे ही बोल देते हैं कि अकेला कैसे काम करूं और ये सब कुछ अकेला मैं नहीं कर सकता। लेकिन उनको मैं यही समझाती हूँ अगर हमारा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटा होना या ना होना ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और इसके साथ साथ जो है ना इसमें मेरा तो कोई भी कसूर नहीं है। और लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने पे लगे हुए हैं कि ये इनकी जो है ना बेटियाँ और ये सुकून से क्यों बैठे हैं, क्योंकि माँ होना कोई जुर्म है। मुझे तो ये समझ नहीं लगते बेटियाँ हों या बेटा, तो किस माँ का जो है ना दिल नहीं करता कि उसका जो है ना बेटा ना हो। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटियाँ ही अता फरमाई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या बेटियों की माँ होना जो है ना वो बहुत बड़ा जुर्म है कि बस आप लोगों की बातें सुनते हैं? मतलब क्या है, बेटी हो या बेटा ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। औलाद तो वैसे ही जो है ना अल्लाह ताला ने एक आजमाइश रखी हुई है और उसके साथ जो है ना अल्लाह ताला चाहे तो हर इंसान को हर चीज़ अता फरमा सकता है, लेकिन इसमें भी जो है ना अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत ही होती है। तो अपनी बेटियों को जो है ना हमेशा ये नहीं समझा कि ये बेटी है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि ये मेरी बच्चों को मेरी बेटियों को जो है ना कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो और इनको ये भी महसूस ना हो कि हम बेटियाँ हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि इनका जो है ना हमेशा अच्छे तरीके से तरबियत करूँ और इनका अच्छे तरीके से ख्याल करूँ। लेकिन लोग जो है ना पापा बस इसे परेशान करने में जो है ना लगे ही पड़े। बस अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन मुझे जो है ना पूरा दिन कभी कभी याद ही नहीं होता क्योंकि पूरा दिन जो है ना ऐसे ही कार के कामों में गुजर जाती है। लेकिन जब कभी आके मेरे हस्बैंड बताते हैं या कहते हैं कि ना मैं अकेला क्या करूँ, मैं अकेला जो है ना थक गया हूँ काम कर करके, तो उस वक्त जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। तो बस पता है उस वक्त मुझे एहसास होता है कि नहीं बेटा जो है ना होना चाहिए। लेकिन इस मामले में जो है ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना, बस ज़िंदगी जो है ना टेंशन ही है। तो बस अभी जो है ना इसी के साथ ही फिर करती हूँ अपने आज के ब्लॉग का एंड। बार बार लाइट आ रही है जा रही है, तो बस अभी जो है ना इसके साथ ही ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है मेरा आज का ब्लॉग जो है ना आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।